ग्वालियर शहर से कुछ दूर चलने पर बीहड़ का क्षेत्र उभरने लगता है। 64 योगिनी का मंदिर ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वहां के स्थानीय लोग उस पूर्व मध्यकालीन मंदिर का महात्म्य जानते हैं, लेकिन एक विशाल भारत उससे अनभिज्ञ है। उसे तो पता ही नहीं है कि चंबल के एक छोटे से गांव मितावली की एक पहाड़ी पर 64 योगिनी या 1100 महादेव का मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 से अधिक दुर्गम शैल सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। यूं तो दूर रास्ते से ही पहाड़ी के ऊपर का वृत्ताकार मंदिर दिखाई देने लगता है, लेकिन जब हम निकट से उस मंदिर को देखते हैं तो चकित स्तंभित रह जाते हैं। वह अधिकांश समय निविड़ रिक्ति रहती है, एक महामौन का घेरा, बस वायु की वीणा बजती रहती है। श्रद्धालु, तीर्थयात्री, दर्शक बहुत कम दिखाई देते हैं। विशेष आयोजनों पर वे आते हैं। वह एक विशाल वृत्ताकार मंदिर है जिसके 64 कक्ष खुले पड़े हैं, जहां सूनापन सिहरा देता है। मौन महादेव, शून्य कक्ष, खाली गलियारे, यात्री स्तब्ध निर्वाक। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध रहे इस पूर्व मध्यकालीन मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के राजा देवपाल ने कराया था। वृत्ताकार मंडल के मध्य में एक लघु वृत्ताकार भवन है, वहां महादेव विराजते हैं। बाहर की परिधि के सभी कक्ष अब प्रतिमाओं से विहीन है, वहां धूसरित शिवलिंग है। मंदिर का वास्तु विशिष्ट है, बाहरी और आंतरिक दीवारें शतियों के काल प्रवाह को झेलकर अब तक खड़ी हैं। उनमें बुढ़ापे के चिन्ह तो उभर आए हैं, किंतु अभी उनका यौवन पूर्णतः ढला नहीं है। महादेव स्वयं उन्हें बचाए हुए हैं। 64 योगिनी अब भी तांत्रिक साधना का केंद्र है। पास पड़ोस के गांव से लोग हवन आदि करने चले आते हैं। वहां नवान्न बिखरे हुए हैं, राख है। मंदिर के प्रदक्षिणा पथ पर घूमते हुए विचित्र अनुभूति होती है। जो था वह नहीं रहा, किंतु जो रह गया है उससे उसके होने का पता मिलता है। वह कैसा रहा होगा? वहां कभी गणित, ज्योतिष और तंत्र का पठन पाठन होता था। मंदिर के बाहर से हर दिशा में चंबल का विस्तीर्ण क्षेत्र दिखाई देता है, खेत खलिहान और बीच बीच में कुछ घर। पूरे क्षेत्र में एक पीत धूसर धरातल का विस्तार है। बीच में रास्ते उन्हें चीरते हैं, वहां होना एक विशिष्ट अनुभव है। ये हमारे महान तीर्थ हैं, जो क्षतियों की मार, आघात, आक्रांताओं के प्रहार को झेल कर खड़े हैं और आज स्वतंत्र भारत में तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं की बाट जो होते हैं। वहां पहुंचना सरल है। ग्वालियर या मुरैना से निजी अथवा सरकारी वाहनों के द्वारा 35-40 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता है। एक बार उस मंदिर के कपाट तक पहुंचिए, आप स्वयं कह उठेंगे, द वंडर दैट वॉज इंडिया, अतुल्य भारत।